الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجسك لي مهبي قولان ستيها فرغا سبري جسك بسيلة سبنيها وحاشم مكي आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका दिया गया है अगर उसे लफ्जों में परो दिया जाए तो कुछ यूँ बनता है। यौम आज़ादी, यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। कौम की तारीख की पहचान है 14 अगस्त, कौम की तारीख की पहचान है 14 अगस्त, एक जरी बाप का उनवान है 14 अगस्त। जनाब सदर, पाक वतन यानी कि पाकिस्तान वो वतन नहीं जो कि वहाँ के रहने वालों को विरासत में मिला है, बल्कि पाकिस्तान को की बुनियादें इस्तवार करने के लिए हिंदुस्तानों ने मुसलमानों की हड्डियों को ईंटों की जगह और खून को पानी की जगह इस्तेमाल किया है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो कश्मकश होती है, जो तख्लीक है, उसमें सिर्फ वही अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सब चीज़ों का जिसने अपनी पाकिस्तान तामीर पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन बीवी बच्चे अजीज़ों कारी को कुर्बान किया हो। कई बेबसों के सामने उनके ख़ानदान को मकानों में बंद करके नजर आतिश कर दिया गया, कई माओं के बच्चों को उनके सामने कत्ल कर दिया गया, कई पाक दामनों ने नहरों में और नदियों में छलांगे लगाकर डूबकर पाकिस्तान की कीमत अदा की है। कई बच्चे यतीम हो गए और पूरी सारी उम्र माँ बाप की शफ़क़त को तरसते रहे। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर को एक शेर में समेटूंगी। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म हमेशा मेरे हिसाबों में रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तानी गाना लगाओ, पाकिस्तानी गाना लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।